जैसे कि आप सब जानते हैं कि तापसी पन्नू बॉलीवुड की एक बहुत ही फाइनेस्ट एक्ट्रेस हैं और उनकी एक्टिंग स्किल्स की क्या ही बात है। तापसी की बात करें तो तापसी की शादी को लेकर पिछले काफी समय से खूब चर्चा थी और यही कहा जा रहा था कि वो 2024 में शादी करने वाली हैं। लेकिन तापसी ने इस तरह से शादी की कि किसी को कानो कान खबर ही ना हुई और इस शादी के बारे में अब रिपोर्ट सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि तापसी पन्नू शादी कर चुकी हैं। तापसी ने शादी उदयपुर में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और बैडमिंटन प्लेयर मैथियस से की है और ये शादी उनके फ्रेंड्स और क्लोज फैमिली के बीच में हुई है। शादी में कौन कौन शामिल था और शादी इतना छुपकर क्यों की गई, इसके बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन तापसी अब शादी कर चुकी हैं और बॉलीवुड की इसको सबसे ज्यादा हश हश बॉलीवुड वेडिंग एवर कहा जा सकता है। हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड आ चुका है जहां पर सभी सेलिब्रिटीज अपनी शादी को बहुत लो की रखते हैं और शादी करने के बाद अपनी पिक्चर्स फैंस के साथ शेयर कर देते हैं और अनाउंस भी कर देते हैं कि वो शादी कर चुके हैं। लेकिन तापसी ने शादी भी कर ली और अब तक कोई अनाउंसमेंट भी नहीं की है। रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि तापसी 23 मार्च को शादी के बंधन में बन चुकी हैं और शादी हुए वे भी 2 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन शादी की कोई पिक्चर या शादी की कोई भी बात सामने नहीं आई है। बट रिपोर्ट्स में यही बताया जा रहा है कि तापसी और माथिया शादी कर चुके हैं और ये शादी उदयपुर में हुई है और हम दोनों को बहुत ही हैप्पी लाइफ विश करते हैं और हम आशा करेंगे कि दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशियों से भरी हो। आप इस सब पर क्या कहना चाहेंगे? आपको तापसी और मैथियस का कपल कैसा लगा? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा